हेलो एंड वेलकम टू आमी क्रेजी जड़गा। मेरा नाम है अमृता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टूर कराने जा रही हूँ मेरे लिविंग रूम का। पिछले वीडियो में भी लिविंग रूम का मैंने टूर कराया था आपको, आप लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए। लेकिन इस वीडियो में जो आए हैं आपको कुछ अलग सा देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे आपको। और मैंने इसको रिनोवेट किया है, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको मेरी ये रिनोवेशन कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ भी मिलेंगे आपके रूम को डेकोरेट करने के। तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं टूर कराने वाली हूँ अपने घर का। तो ये है डोर, इसको ओपन करती हूँ और ये रहा मेन डोर जिसको मैंने ओपन ही करके रखा है। उसके बाद जैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ पे एक मैट डाला हुआ है ताकि जब भी आप अंदर आओ तो जो भी कचरा वगैरह है वो बाहर ही मतलब मैट में ही वो आ जाए और घर के अंदर ना आए इसके लिए। और मैंने कुछ चेंजेस किए अपने घर में, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग ने मेरा पहला वाला होम टूर देखा होगा तो आप लोग को पता होगा कि मैंने क्या क्या चेंजेस करे हैं। आप लोग नोटिस कर पाए होंगे तो मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट करके बताना कि पहला वाला आपको अच्छा लगा है चेंजेस कि अभी वाला। तो ये रहा सबसे पहला वाला चेंज, ये एक टी वी यूनिट है। ये जो टीवी यूनिट है दोस्तों वो मैंने लिया है 5000 का। तो ये बहुत ही डिसेंट लगता है, कलर कॉम्बिनेशन भी आपके देखिए, वॉल जो है आप देख सकते होंगे कि ये भी एक चेंजेस है। और यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम वगैरह वो भी चेंजेस है। और वॉल का जो डिज़ाइन है, ये वाला जो वॉल का डिज़ाइन है वो कलर है ये बिल्कुल सेम है प्रीवियस वाले से, लेकिन ये वाला जो आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर का करवाया है अलग से एक वॉल पे, तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये एक बहुत ही अच्छा लुक देता है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लुक दे रहा है घर को। और ये है सोनी का टीवी, 32 इंच का है जो कि अब बिल्कुल इससे मैच हो रहा है, मतलब साइज़ वाइज अगर थोड़ा और भी अगर इंच वाइज बड़ा रहता ना तो ये बाहर आ जाता, इसीलिए मैं 32 इंच का लिया है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए इसी के अंदर। और यहाँ पे कुछ शो पीसेस लगाए हैं, मतलब गणपति बप्पा का मूर्ति है, उसके बाद नीचे शो पीस है हैप्पी लाफिंग बुद्धा का जो कि बहुत ही अच्छा रहता है और दरवाजे के सामने भी ये अच्छा माना जाता है लाफिंग बुद्धा का। तो ये दरवाजे के सामने रखा है और अंदर कुछ इस तरीके से खोल के बताती हूँ आपको। कुछ ऐसे पॉट्स रखे हैं सिर्फ जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है, अट्रैक्टिव लुक दे रहा है, मैच कर रहा है वॉल के साथ में और फर्नीचर के साथ में। और काफ़ी चीज़ें जो है मैचिंग ही मैंने सोचा है कि कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रहे तो अच्छा लगता है। उसके बाद में ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने वॉल क्लॉक लगाया है। और ये भी जो है घोड़े का जो फ्रेम होता है वो काफ़ी अच्छा और लकी माना जाता है, तो इसको भी मैंने इस तरीके से हॉल में लगाया है। बाद में एक फ्रेम आपको दिख जाएगा। इस तरफ आप देखेंगे तो ये भी एक चेंजेस किया हुआ है, शिवाजी महाराज का यहाँ पे फ़ोटो लगाया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफ़ी बड़ा है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सेंटर टेबल जो है लेकिन वहाँ पे रखा है कोने में, क्योंकि सेंटर में अगर आप रखेंगे, देखिए मेरे यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं रखा है बल्कि वहाँ पे रखा है। और ये जो सोफ़ा है आप मेरे प्रीवियस वाले पे देखेंगे तो एल शेप आपको सोफ़ा लगेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है दोनों को सेपरेट कर दिया है, मतलब इधर एक सोफ़ा है और इधर एक सोफ़ा है। पहले मैंने कैसे रखा था यहाँ पे वहाँ पे और सेंटर में था चेयर जैसा, वो मैंने कहाँ रखा है मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरीके से मैंने कुछ यूटिलाइज़ किया है जगह को और सोफ़ा को छोटा छोटा करके दो जगह पे मैंने डिवाइड कर लिया है, आमने सामने जैसे मेहमान आते हैं तो बैठने के काम आता है इसीलिए। और एक चेंजेस किया है दोस्तों, ये है दीवान। तो ये दीवान जो है वो है 5000 रुपीज़ का, मैंने लिया है घाटकोपर के विद्या विहार से। तो ये कैसा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहमान वगैरह आए तो सोने के भी काम आएगा और बैठने के भी काम आता है, तो ये बहुत ही अच्छा मुझे एक लग गया। और वो दीवार के साइज़ का ही है और छोटा सा एकदम क्यूट सा है और दिखने में भी अच्छा लगता है और फर्नीचर के साथ में बाकी फर्नीचर के साथ में मैच भी हो रहा है। और इसके अंदर भी आप मतलब बिस्तर वगैरह रख सकते हो या फिर कुछ चीज़ें जो आपको कम यूज़ में आती है वो चीज़ें आप इसमें रख सकते हो, पिलोज़ वगैरह, चद्दर वगैरह।
और ये तो मैंने पुराना पहले इसमें भी दिखाया था आपको, ये वाला जो कबर्ट है। तो ये देखिए कबर्ट की जो लाइट है मैंने ऑन कर दी, और ये बहुत ही अच्छा कबर्ट है जो मैंने उल्लासनगर फर्नीचर मार्केट से लिया है। पिछले वीडियो भी मैंने आपको बताया था ये कबर्ट, और डिज़ाइन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। पर्दे के डिज़ाइन के साथ में, बाकी फर्नीचर के डिज़ाइन के साथ में बहुत ही अच्छे अच्छे से मैच कर रहा है ये। तो मैं प्राइसिंग के साथ आपको इसीलिए बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको अगर घर बनाना हो कुछ मेरी आइडिया लेके, कुछ आपकी आइडिया लेके आप कर सकते हो। और जो मैंने आपको सोफ़ा बताया था, एक चेयर मैंने आपको बताया था कोने में थी, वो चेयर मैंने है बालकनी में लगाया। आप देख सकते हैं मेरी बालकनी जो है काफ़ी बड़ी है, मतलब एक रूम के साइज़ की बालकनी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा आप आराम से ना यहाँ पे बैठ के नाश्ता वगैरह कर सकते हो, बुक वगैरह पढ़ सकते हो और मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो। तो ये मेरा एरिया है, मैं हमेशा यहाँ पे बैठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बहुत काफ़ी कि बाहर का अच्छा खासा व्यू है। और प्लस चिड़िया वगैरह मैंने आपको ये नया लिया है लव बर्ड्स, तो यहाँ पे दो पैर है आप देख सकते हैं लव बर्ड के, तो ये भी काफ़ी मतलब अच्छा लगता है इनको देखने के लिए। इनका छोटा छोटा घर वगैरह भी है, तो ये एक नया है चीज़। ये सोफ़े को, सोफ़े का जो एक पार्ट है मैंने इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया है, बैठने के काम आता है, चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करने के काम आता है। और यहाँ पे झूला है जो मैंने आपको पहले बताया, ये अराउंड 10,000 के आसपास मुझे पड़ा था, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। और एक मैंने चेंजेस किया यहाँ पे ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं मैंने कपड़े सुखाने का जो ये है होता है ना वो लगाया है यहाँ पे भी, और मेरे बेडरूम में भी है। तो कैसा है आपको, अगर बेडरूम वाला फुल हो जाएगा या फिर कपड़े सूख रहे होंगे वहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप कपड़े डाल सकते हो। तो ये ऐसे एक तो बहुत ही आसान है, कपड़े सुखाने में भी बहुत ही आसानी पड़ती है, तो इस तरीके से आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी पड़ता है, आपको चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से एक वायर पुल कर दोगे तो ये अपने आप नीचे आ जाता है, और कपड़े सुखाने में भी आपको आसानी पड़ती है। इसका ऑनलाइन लिंक अगर आपको चाहिए होगा मैं दे दूंगी, आप वहाँ से जाके उसे परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे छोटा सा फ़ैन लगाया दोस्तों, अगर बैठते हैं गर्मी वगैरह में, ठंडी के सीज़न में तो नहीं काम आता है, गर्मी वगैरह में बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा मतलब लगता है ठंडा। और ये एसी का आउटलेट है। और एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, ये ऊपर वाला पिछले वीडियो में मेरा नहीं था, ये भी नया वाला बनाया है, ये आप देख सकते हो वुडन है, फर्नीचर जैसा आपको फील आएगा। और कैसा है ना ऊपर वाला देखिए, वहाँ पे छत है वो ना गर्मी के सीज़न में गर्म हो जाता है, क्योंकि मेरा टॉप फ्लोर है दोस्तों, तो गर्मी के सीज़न में गर्म हो जाता है, इसी के कारण उसके नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये वुडन का लगाया है, जो कि बहुत ही डिसेंट लगता है, ये देखिए बहुत ही डिसेंट है और दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव। और आपका ये है कि ठंडा रहेगा, गर्मी नहीं पड़ेगी नीचे, आप अगर बालकनी वगैरह यूज़ कर रहे हो तो। यहाँ पे ऐसे एक बोर्ड है छोटा सा वाइट कलर का, जो कि मैं वीडियो वगैरह टॉपिक वगैरह लिखने के लिए यूज़ करती हूँ। और बाकी वहाँ पे एक मिरर टाइप का है, कभी काम आ जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये नया इंटीरियर, प्लीज़ मुझे कमेंट करके। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। घर कैसा लगा, रिनोवेट किया हुआ घर कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा, फर्नीचर आपको कैसा लगा, और आप सेटिस्फाइड है कि नहीं, और आपको अच्छा लगा कि नहीं, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए इसे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो इससे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।